तो उत्तराखंड में बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाकर एक बार फिर से सबको चौंका दिया। जिस तरह की चर्चाएं उत्तराखंड बीजेपी में महेंद्र भट्ट को राज्यसभा में भेजने को लेकर हो रही हैं, उससे साफ है कि आने वाले लोकसभा चुनाव और संगठन के भीतर नए तरह के जो सियासी समीकरण है अब वो देखने को मिलेंगे, यानी नए रंग में बीजेपी दिखाई देगी। महेंद्र भट्ट के राज्यसभा जाने से उत्तराखंड भाजपा में एक बार फिर नए सिरे से नए जिम्मेदारियां जो है वो तय होने का वक्त आ गया है। नई जिम्मेदारियां, सियासी जानकारी से हाईकमान की आने वाले चुनावों को लेकर एक बड़ी तैयारी के रूप में भी देख रहे हैं। साथ ही जिस तरह का बीजेपी का इतिहास रहा है, एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत, वैसे उत्तराखंड में इसे लागू करना सैद्धांतिक तौर पर कई बार हुआ, ऐसा नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए अजय भट्ट ने लंबे वक्त तक जिम्मेदारी संभाली, प्रदेश अध्यक्ष भी थे और नेता प्रतिपक्ष भी। ऐसे में सवाल यह कि क्या महेंद्र भट्ट प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे, अब इसको लेकर भी एक नई बहस है। हालांकि कई जानकार ये मानते हैं कि लोकसभा चुनाव तक बीजेपी ज्यादा उलटफेर नहीं करेगी, यानी लोकसभा चुनाव तक महेंद्र भट्ट प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे, लेकिन अगर किसी सांसद का टिकट कटा तो उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी सौंपी जा सकती है। यह बात अलग है, यह सब कयासबाजी। वैसे बीजेपी में कब कहां किसको कौन सी जिम्मेदारी मिल जाए कहा नहीं जा सकता। महेंद्र भट्ट को राज्यसभा भेजने के बाद उत्तराखंड की सियासी लड़ाई और दिलचस्प हो गई है। अभी तक राज्यसभा में सांसद रहे अनिल बलूनी को अब लोकसभा भेजने की भी चर्चाएं हैं, जबकि भाजपा खेमे में सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। सब कयास है, यानी बीजेपी ने एक बार फिर से सरप्राइज दे दिया। पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। देश की सर्वोच्च सदन की देवभूमि में तीन में से एक सीट खाली हो रही है, जिस पर बीजेपी आलाकमान ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। देवभूमि की इस सीट पर उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसको लेकर पार्टी की तरफ से लिस्ट जारी कर दी गई है। पार्टी के इस फैसले से हर कार्यकर्ता खुश नजर आ रहा है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले ही प्रदेश में जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की कोशिश शुरू कर दी है, जिसमें गढ़वाल के बड़े चेहरे के रूप में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाकर जनता के बीच सियासी संदेश देने का काम किया है। यानी गढ़वाल को साधने की कोशिश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के राज्यसभा में जाने के साथ ही राज्यसभा के भीतर भी उत्तराखंड के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा। आपको बता दें, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल वैश्य समाज से आते हैं। दूसरी राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ओबीसी से आती हैं। और अब ब्राह्मण वर्ग का प्रतिनिधित्व महेंद्र भट्ट करते नजर आएंगे, जबकि क्षत्रिय के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले प्रदेश में अपना जलवा दिखा रहे हैं, जो कि कुमाऊं से आते हैं। वहीं इसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी के प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया। राष्ट्र नेतृत्व का, अपने राष्ट्रीय आदरणीय नड्डा जी का, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का, प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मुझे ऐसे साधारण कार्यकर्ता को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। एक तरफ जहां बीजेपी अपने इस दांव के जरिए 2024 में फिर से पहाड़ पर क्लीन स्वीप का जीत की हैट्रिक लगाने का दम भर रही है,
तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल इसको लेकर जुबानी हमला बोल रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कभी भी किसी भी क्षेत्र की या व्यक्ति की उपेक्षा नहीं की जाती है। समय के अनुसार सभी व्यक्ति को कहें या क्षेत्र को, उनको जिम्मेदारी दी जाती है। संतुलित तरह से भारतीय जनता पार्टी में कार्य किया जाता है और इसी के आधार पर चमोली जिले से हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और जो हमारा विजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है कि सीमांत क्षेत्रों के विकास के लिए, तो निश्चित रूप से एक इसके पीछे ये भी होता है कि उनको राष्ट्रपति के लिए जो नामित किया गया है, तो इसका सीमांत क्षेत्र समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के बारे में विचार करने वाली पार्टी, इसलिए ऐसा भी कहीं ना कहीं पार्टी का विजन है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, वो किसको राष्ट्रपति चुनाव लड़ाती है, किसको नहीं लड़ाती है, किसका टिकट काटती है, उनका अपना मामला, पार्टी का निजी मामला है। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि अच्छा काम किया उन्होंने, कार्यकर्ता को मैदान में उतारा है, कार्यकर्ता को पुरस्कृत करने का काम किया है और माननीय महेंद्र भट्ट जी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं, हमारी पार्टी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई है और उनसे उम्मीद है कि उत्तराखंड के हित में उत्तराखंड की आवाज को राज्यसभा में उठाने का काम करेंगे। खैर, महेंद्र भट्ट प्रदेश संगठन के मुखिया भी हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या आला कमान एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर अमल करेगा? वैसे उत्तराखंड में राज्यसभा की 3 सीट हैं, जिनमें नरेश बंसल, कल्पना सैनी और अनिल बलूनी सांसद हैं। अनिल बलूनी का 6 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, उनकी जगह महेंद्र भट्ट को राज्यसभा भेजा जा रहा है, जिसके लिए 27 फरवरी को चुनाव होना है। उत्तराखंड में बीजेपी 47 विधायकों के साथ पूर्ण बहुमत में है, जबकि कांग्रेस के 19 विधायक हैं और 2 निर्दलीय और 2 बीएसपी के विधायक हैं, जिनमें से बसपा के 1 विधायक का निधन हो चुका है। ऐसी स्थिति में यदि कोई दूसरा नामांकन नहीं हुआ तो महेंद्र भट्ट का निर्विरोध राज्यसभा जाना तय है। तो महेंद्र पर मेहमान आला कमान, सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर है, वीरेन जी, उत्तराखंड बीजेपी के धुरंधर चेहरों में से एक, आशीष नोटियाल जी कांग्रेस के युवा चेहरे हैं, साथ ही साथ हमारे साथ विपिन खन्ना साहब आम आदमी पार्टी के तेजतर्रार चेहरों में से एक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा वीरेन जी, सरप्राइज तो दे दिया आपने, जो आप लोगों की पुरानी आदत भी है कि सरप्राइज कौन कब कहां कैसे कोई नहीं जानता, लेकिन यह फैसला थोड़ा हैरान इसलिए करता है क्योंकि मौजूदा वक्त में प्रदेश अध्यक्ष की कमान भी महेंद्र जी के हाथ में है, तो कैसे देखा जाए इस फैसले को? देखिए, जहां तक पार्टी हाईकमान का निर्णय है, निश्चित रूप से यह निर्णय सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा करने वाला निर्णय है। एक कार्यकर्ता को पुरस्कृत करने वाला निर्णय है। एक प्रदेश अध्यक्ष जो एक ग्रास रूट से आकर यहां तक पहुंचा है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, और उन्होंने जो अपने इस कार्यकाल में जिस तरीके से काम किया, जिस तरीके से विभिन्न दलों के लोगों को भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराया, पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी है और पार्टी जन जन तक पहुंचने का पार्टी ने काम किया है, निश्चित रूप से उनको पुरस्कृत किया गया है, उनका कार्यकर्ताओं का मनोबल इससे बड़ा है। नहीं, आप चौंके कि नहीं? नहीं, हमने क्यों चौंकना, हमारी पार्टी में तो ऐसी होता है, साधारण कार्यकर्ता को दायित्व दिया जाता है। हाँ। किसको क्या दायित्व दिया जाए, तो आप सिद्धांत का है ना। वैसे मैं चौंकने वाली बात इसलिए कर रहा था कि कई चेहरे ऐसे थे जिन्हें उम्मीद थी कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है तिलक जी। नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में, नहीं नहीं, आपकी बात सही है क्योंकि देहरादून के करीब बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जैसे डोईवाला तक ही आवाज पहुंच जाए, तो मन में हिलोरे तो सबके होते हैं। नहीं नहीं, सबको लगता है कि मुझे वहां तक पहुंचना चाहिए, एक साधारण कार्यकर्ता को उम्मीद रहती है, बड़े से बड़े कार्यकर्ता को रहती है, लेकिन जब हम एक राजनीतिक दल में होते हैं तो राजनीतिक दल में ये फैसला लेने का अधिकार, लेकिन एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत भी आपकी पार्टी में ना। हाँ, ऐसा भी है, लेकिन समयवन परिस्थितियों में आदमी जो है 2 पदों पर भी रह सकता है। हाँ, वो तो हमने देखा था कि जब अजय भट्ट जी खुद नेता प्रतिपक्ष भी रहे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे,
जी जी, पार्टी नेतृत्व ही फैसला करती है कि कब किसका किसको दायित्व पे रहना है, कौन से दायित्व पे किसको रहना है। ठीक, हमारे यहाँ तो हमको सिर्फ काम करना है। आशीष नोटियाल जी, कैसे लगा बीजेपी का सरप्राइज आपको? देखिए, हमने तो बीजेपी की सरप्राइज देखते रहते हैं, हमने 4 साल बेमिसाल, उसके बाद त्रिवेंद्र जी को जाते हुए भी देखा हमने, इतना बेमिसाल था तो त्रिवेंद्र जी हटा दिए, 6 महीने के अंदर तीरथ जी हटा दिए, आज महेंद्र भट्ट जी हटा दिए, क्या कल को धामी जी पे तलवार लटका दे। तो बीजेपी सरप्राइज देती रहती है, जनता को बिजी रखती है किसी ना किसी काम में, कि 2-4 दिन चर्चा है इस पे, फिर कोई नई बात करेंगे, क्योंकि विकास काम तो करना नहीं, विकास राज्यसभा, हाँ राज्यसभा कर सकती है, देखिए बहुमत है बीजेपी के पास, हाँ। और निश्चित राज्यसभा किसी ना किसी को तो भेजना ही है। नहीं नहीं, आपके पास भी था तो आपने भी ऐसे किया था, निश्चित हमने भी करा होगा, अब आपको याद होगा, मुझे तो याद नहीं, नहीं मुझे याद है, ना ना ना, मेरी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है, आपको तो सब याद रहता है, मुझे याद है, तिलक जी को सब याद रहता है, मुझे याद है, गलत उदाहरण दूं तो आप पेश करिए ना कि हाँ आपने गलत बोला। नहीं नहीं, तिलक जी एक अच्छे वो हैं, हमारे एंकर भी हैं, सब हैं, लेकिन आपको अच्छा याद आता है, लेकिन अनिल बलूनी जी को भी एडजस्ट करना है, अभी इन्होंने सांसद के टिकट कटने, अभी तो हम सरप्राइज तब भी होंगे जब सांसदों के टिकट कटेंगे। आशीष जी, ये तो तब भी उत्तराखंड से भेज रहे हैं, आपने तो गैर उत्तराखंडियों को भेजा राज्यसभा, वो भी इसी उत्तराखंड से, बिल्कुल, देखिए कहीं पे ये भी भेजते हैं, कहीं पे हम भी भेजते हैं। सर आप कह रहे हो ना कि नहीं, हम तो उदाहरण है, तो मैं बता देता हूँ, राजबब्बर का क्या लेना देना उत्तराखंड से? देखिए उन्हें सम्मान देना था, तो सम्मान देना था, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला उत्तराखंड को लेकर राज्यसभा के भीतर, और फिर आप कह रहे हो कि इनको ज्ञान दे रहे हो कि भैया आपने क्यों भेज दिया, सरप्राइज दे दिया। नहीं नहीं, हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे सरप्राइज देते रहते हैं, हमने ये नहीं बोला। हाँ तो सर, सरप्राइज आप राजबब्बर को अगर आप भेजेंगे उत्तराखंड से, कहेंगे कि राज्यसभा जाओ, और वो उत्तराखंड की एक आवाज ना उठाए सदन के भीतर, और फिर कहो कि देखिए हमने उत्तराखंड के हित की बात कर दी। निश्चित, देखें जगह कभी कभी जो है सरप्राइज जैसे भारतीय जनता पार्टी भी देती है, और हमें भी कहीं किसी को एडजस्ट करना। तो आशीष जी ऐसा मत बोलिए ना, ये राजनीति है, हम इनके सरप्राइज से परेशान नहीं है, हाँ। तो शुभकामनाएं दे रहे हैं, हम तो आपको नहीं, तो आप ऐसा बोल रहे हो कि जैसे आप बैरियर डाल के रोक लोगे? नहीं नहीं नहीं, नहीं रोक पाओगे दे रहे हैं भट्ट जी को, भट्ट जी की चाटुकारिता काम आई, आज भट्ट जी बने, बहुत धन्यवाद ना, ना चाटुकारिता शब्द का इस्तेमाल मत करिए, किसी की काबिलियत पर संदेह मत करिए, ये भी ये होता रहता था, नहीं तो सर ये शब्दों का प्रयोग मत करिए ना, जनता हित बाद में, पहले तो माननीय शब्दों का प्रयोग ना करें। आशीष जी कोई भी किसी भी पद पर हो, आपके लिए भी अगर वीरेंद्र जी ये शब्द का इस्तेमाल करते तो मैं रोकता हूं उनको, लेकिन ये गलत तरीका है। निशंक जी ने नाम नहीं लिया बार बार, तो निशंक जी आज बाहर है, इन्होंने बार बार नाम लिया केंद्र का, ये आज ऊपर है, इसमें क्या फर्क पड़ता है? ये तो होता ही, जो बार बार माननीय मोदी जी बोलेगा उसको तो निश्चित सम्मान मिलेगा, पर जो मोदी जी का नाम लेने से चूक जाएगा कि मैंने शिक्षा ये बना दिया तो वो भारी होगा। वीरेन जी अपनी बात रखेंगे, फिर विपिन जी के पास आऊंगा, लेकिन एक बात बताऊं, सत्ता की ताकत और हनक पता क्या होती है इस देश ने देखा। प्रधानमंत्री और कैबिनेट के प्रस्ताव को, कानून को एक सांसद ने पूरे देश के सामने फाड़ दिया, पूरे देश के सामने, हुआ ना आशीष जी? बिल्कुल हुआ ना, तो ये ऐसा नहीं है। और कृपया करके जो चुने गए, अब ऐसा मत बोलिएगा कि करण महाराज किसी की मेहरबानी पर प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, या फिर वो किसी के रिश्तेदार थे इसलिए वो प्रदेश अध्यक्ष बने, ऐसा नहीं होता ना, वो अपनी काबिलियत से पहुंचे वहां तक। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वीरेंद्र जी अपनी बात पूरी करिए, फिर खन्ना साहब आपके पास आ रहा हूं। देखिए हमारे यहाँ बिल्कुल, और जहां तक महेंद्र भट्ट जी का प्रश्न है, वो तो दूर दूर तक उन्होंने सोचा भी नहीं था कि राज्यसभा जाएंगे, और वो तो अपने प्रदेश में अपने कार्य काम में लगे हुए हैं, यहाँ कोई चाटुकारिता नहीं, हमारे यहाँ चाटुकारिता करके कोई आगे बढ़ता नहीं है। केंद्र नेतृत्व तो देखता है किसके अंदर क्या पोटेंशियल है, कौन कितना काम कर रहा है, कौन समर्पित कार्यकर्ता है, ईमानदारी और कर्मठता के साथ में जो भी व्यक्ति काम करेगा वो आगे बढ़ेगा, और यहाँ नए नए अवसर मिलते रहते हैं, पुराने का अनुभव भी रहता है, लेकिन नए कार्यकर्ताओं को भी आगे भारतीय जनता पार्टी बढ़ाती है। आपने देखा होगा अभी हाल ही के दिनों में, कुछ सालों से आप देख रहे होंगे कि नए कार्यकर्ताओं का निर्माण हो रहा है और उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, किया जा रहा है। पुरानों का भी आशीर्वाद अनुभव रहा है, उन्होंने भी लंबा समय नेतृत्व किया है पुराने लोगों ने, अब नए लोगों को भी नेतृत्व करने का अवसर दे रहा है, तो इसमें कोई नाइंसाफी नहीं हो रही है हमारे यहाँ किसी को। खन्ना साहब, कैसे देखा जाए इस फैसले को बीजेपी के, सरप्राइज गिफ्ट?
तिलक जी, सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथ में और नंबर पार्टी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में, और तो महेंद्र भट्टजी को भेज दिया तो कोई बहुत बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कर दिया, लेकिन जिस प्रकार से ढोल बजाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि अंतिम व्यक्ति का विकास एक साधारण कार्यकर्ता या किसी पार्षद को भेज दिया है क्या राज्यसभा? तिलक जी, किसी पार्षद को भेजते हैं, जिन पार्षदों को 20-20, 25-25, 30-30 साल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते करते, अगर उन्हें पार्टी मौका देके राज्यसभा भेजती तो मैं हम मानते कि हाँ एक साधारण कार्यकर्ता को आपने राज्यसभा भेज दिया। लेकिन बहुत अच्छी बात है, देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर है, उनके पास मेजोरिटी है, तो वो किसी को भी भेज सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्यसभा भेजने जाने वाला व्यक्ति रबड़ स्टैंप बन के ना जाए, उत्तराखंड की बात करने के लिए राज्यसभा जाए, क्योंकि अब तक हम देखते आए हैं। देखिए मैं कांग्रेस की भी इसमें चर्चा जरूर करूंगा, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जो भी लोग राज्यसभा गए हैं सरकार की तरफ से, उन्होंने कभी उत्तराखंड की बात, उत्तराखंड की समस्याओं की बात सदन में नहीं उठाई है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि महेंद्र भट्टजी जब राज्यसभा जाएंगे तो वो प्रदेश की बात जरूर करेंगे। खन्ना साहब, देखिए मैं किसी का रिपोर्ट कार्ड सांसद का लेकर तो बैठा नहीं, लेकिन बतौर सांसद अनिल बलोनी का कार्यकाल शानदार रहा, इसे बोलने में किसी को संकोच नहीं करना चाहिए जी। क्योंकि उत्तराखंड के हित में कोई भी सांसद काम करे जी, उत्तराखंड का हित होना चाहिए। और जहां तक बात रही राज्यसभा की, आपने बहुत अच्छी बात कही, अब थोड़ा पर्दा उठाऊं आपसे जी। आप लोगों को मौका मिला राज्यसभा भेजने के लिए, वीरेन जी इनको मौका मिला कि राज्यसभा, इनको तत्कार्यकर्ता याद नहीं आया, इनको जेल में बैठा हुआ व्यक्ति याद आया, इनको वो व्यक्ति याद आया जो व्यापारी वर्ग से थे। मेरी बात समझिएगा खन्ना साहब, गलत बोल रहा हूं तो बता दीजिएगा कि आपने गलत बोला, हुआ कि नहीं? पहली बात, तब कार्यकर्ता याद नहीं आया जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया और वो कभी बाहर चले गए, तब राज्यसभा याद नहीं आई खन्ना साहब, तब ये सिद्धांत भूल गए थे अपनी पार्टी के लिए। लेकिन आम आदमी पार्टी का राज्यसभा सांसद ऐसा सांसद रहा जिसने दिल्ली की आवाज, तो फिर आपने व्यापारी साहबाज से ही क्यों भेजा? आप कार्यकर्ता को भेजते ना, जो पार्षद थे उनको भेजते। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सभा सांसदों पर फर्जी, खन्ना साहब तो फिर उन्हें किस फॉर्मूले के आधार पे आपने भेजा? आपने फिर किस फॉर्मूले के आधार पे भेजा? जब भेजना था तब राज्यसभा में, तब व्यापारी वर्ग के व्यापारियों को भेज दिया आपने, क्यों? देखिए दिल्ली की जो, देखिए प्रदेश की आवाज उठाने वाले व्यक्ति, ये पैमाना मतलब कार्यकर्ता याद नहीं आया फिर। खैर वीरेन जी अपनी बात रखिए, फिर आ रहा हूं आशीष जी आपके पास। मेरा ये कहना है कि आम आदमी पार्टी जो आज बखान कर रही है, प्रवचन दे रही है, इन्होंने जब अभी राज्यसभा लोग भेजे तो जेल में जो व्यक्ति है उसको राज्यसभा भेजना मुनासिब समझा, जो इनके और जो है कार्यकर्ता रहे हैं पार्टी में जो काम कर रहे हैं वर्तमान में उनको नहीं भेजा। तो ये जो जिस तरीके का अभी उदाहरण दे रहे हैं, तो उदाहरण ऐसा देना चाहिए, ऐसी बात करनी चाहिए कि जो जस्टिफाई होती है। आम आदमी पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये अच्छी तरीके से समझते हैं, मुझे आवश्यकता नहीं बताने की, लेकिन मैं अपने नेताओं पर मुझे भरोसा है कि वो उत्तराखंड की बात को उठाते हैं। हमारे अनिल बलूनी जी ने जितना शानदार काम अभी राज्यसभा सदस्य के रूप में किया है और उत्तराखंड राज्य के विकास में जो अपना योगदान दिया है उसे बुलाया नहीं जा सकता है, वो निरंतर उत्तराखंड राज्य के लिए काम करते रहे हैं। ऐसे ही महेंद्र भट्टजी भी राज्यसभा में जाएंगे उत्तराखंड के। खन्ना साहब का ये कहना है कि भाई राज्यसभा कोई भी जाए लेकिन उत्तराखंड की आवाज उठाए, यही कह रहे ना खन्ना साहब? जी 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 तो निश्चित रूप से उठाएंगे महेंद्र भट्टजी, इनसे ज्यादा अच्छे प्रखर होकर उठाएंगे, और महेंद्र भट्टजी का अनुभव है, उन्होंने यहाँ प्रतिनिधित्व भी किया है, विभिन्न दायित्व पे भी रहे हैं, उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को भी जानते हैं। आवाज उठाने वाला कोई राज्यसभा सांसद जिसने अंकिता भंडारी की आवाज उठाई हो, जिसने बेरोजगारों पर लाठी चार्ज होने की बात उठाई हो, जिसने खन्ना जी जो ऐसे है कि आपके सांसद तो भ्रष्टाचार के समस्याओं पर बात में जेलों में चले जाते हैं, बताइए ना, आपके सांसद बनते हैं भ्रष्टाचार करते हैं और जेल में चले जाते हैं, वो किसकी बात उठाएंगे? वो तो अपनी बात उठा रहे हैं कि हमें छोड़ा नहीं जा रहा है, हमारी बेल नहीं हो रही है, इसलिए जो है आम आदमी पार्टी को ये सब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। भ्रष्टाचार हो रहा है, ऐसे नेता जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता भी आए हैं जिन्होंने जिन्होंने भर्ती घोटाला किया, जिन्होंने बेरोजगारों के
कमर पे लाठियां चलवाई। आम आदमी पार्टी के नेताओं को, सांसदों को लोगों ने रिश्वत लेते हुए देखा है, जेल के अंदर बंद है खन्ना जी। कोई भी आपके विधायक चाहे पंजाब में हो चाहे दिल्ली में हो, बताइए इसकी भंडारी कटा दी है। अंगिता भंडाराचार के खिलाफ आंदोलन करके आए थे, आज भ्रष्टाचार में ही लिप्त हो रही है आम आदमी पार्टी। हुआ आज पूरी दुनिया देख रही है आप लोगों को। मौन क्यों है, शर्मसार हो रही है दिल्ली की जनता, पंजाब की जनता। अंकिता भंडारी की हत्या में सीबीआई जांच की मांग करी, तब आपके राज्यसभा सांसद कहां थे? कोई आपके पास जवाब नहीं है। हमारे पास हर बात का जवाब है। सारे अपराधी जेल में है। आप लोग माननीय न्यायालय में भी गए, माननीय न्यायालय ने भी कहा कि सीबीआई की इसमें आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। केस जो है, पुलिस प्रशासन काम जो है अच्छा कर रहा है, सबको गिरफ्तार कर लिया है, तो जेल के अंदर है। सीबीआई जांच की सिफारिश माननीय न्यायालय ने करी तो आप सुप्रीम कोर्ट चले गए बचाने के लिए। आज अंकिता भंडारी के मामले में आप सफाई दे रहे हैं। हम बिल्कुल सफाई दे रहे हैं। हमारे अपराधियों को जेल में डालने का काम अगर हुआ है तो हमारी सरकार में हुआ है। बिल्कुल, विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने का काम अगर हुआ है वो आपकी सरकार में हुआ है। हाँ, तो भ्रष्टाचार करोगे तो जेल में जाओगे खन्ना जी, भ्रष्टाचार करोगे तो जेल में जाओगे, सरकार का पैसा लूटोगे तो जेल में जाओगे। एजेंसियां इसीलिए बनाई गई है, एजेंसी इसलिए बनाई गई है कि जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल में जाएगा। और वो भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता जेल में जा रहे हैं, ईमानदार हो जाता है। आप जो जिस तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे हो, देश की जनता जान रही है और आपको जेल में डाल रही है। आपके मुख्यमंत्री किस तरीके से बच रहे हैं, किस तरीके से जेल जाने से बच रहे हैं, कब तक बचेंगे, ये जान सकते हैं। एक मिनट खन्ना साहब, एक मिनट विषय पर आइए ना, विषय पर आइए। आशीष जी, क्या बदलेगा, आपको क्या लगता है उत्तराखंड की सियासत में अब महेंद्र भट्ट जी को राज्यसभा भेजने के बाद? यह तो तय है कि बीजेपी अगर सरप्राइज देगी, आप ही के मुताबिक मैं मान लूं कि इस बार सिटिंग सांसदों को टिकट नहीं मिलेगा, ठीक जो आपके नेता कह रहे हैं मैं उसी बात को कह रहा हूं, तो कुछ सरप्राइज तो हो ही सकते हैं जैसे महेंद्र भट्ट का सरप्राइज, तो इस चुनौती से कैसे पार पाएंगे आप? देखिए, चाहे सांसद का टिकट इनको ही मिले चाहे किसी और को भी मिले, कुछ नहीं बदलने वाला। देश के अंदर वही जो भारतीय जनता पार्टी का टारगेट है, नफरत फैलाओ राज करो, उसी तरीके से करेंगे। तानाशाही बढ़ेगी। अगर 2024 का चुनाव दोबारा ये लोग गलती से जीत जाते हैं तो आप देखें देश के अंदर गरीब का खाना खाना मुश्किल कर देंगे। आदमी खाना नहीं खा पाएगा, गैस सिलेंडर को 2-3-4 हजार रुपए पहुंचा देंगे और पेट्रोल को 250-300 रुपए पहुंचा देंगे, ये हल कर देंगे। नहीं, खाना नहीं खा पाएगा मतलब समझा नहीं, ये राशन तो फ्री दे ही रहे हैं। नहीं, राशन फ्री देंगे कितने लोग, 80-85 करोड़ लोगों को आप पहले ही देने की। तो बोलो कि हम सत्ता में आएंगे राशन बंद कर देंगे आप लोग 125। छोड़ो ना उस बात को, मैं तो प्रैक्टिकल बात करते हैं। आशीष बोलिए, हम सत्ता में आएंगे तो ये जो राशन बांट रहे हैं बंद कर देंगे, बोलिए। हम स्वावलंबी बनाएंगे जनता को, ठीक है, राशन योजना चालू रखोगे बंद करोगे, राशन देने की बात नहीं करेंगे। और मुफ्त में राशन नहीं दोगे ना, 400-400 रुपए के सिलेंडर में जो वीरांगना हो जाते थे वो लोग आज 1100-1000 रुपए के सिलेंडर में कुछ बोलने को तैयार नहीं है। उस मुद्दे को खत्म कर दिया, जिस मुद्दे को लेकर सरकार बनाई थी तब कितना दर्द होता था इनको जनता का, जब डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता था तो मोदी जी को कितना दर्द होता था। वो बताते थे कि प्रधानमंत्री जी की उम्र के साथ साथ हमारा रुपया भी गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है। तो आशीष मंच पर गिनवाते हो ना ये सब बातें, और फिर जनता उन्हीं को वोट देती है। मंच पर भी गिनाएंगे, यहाँ भी गिनाएंगे, जहाँ मौका मिलेगा वहाँ बताएंगे। हाँ, गिनो, अच्छी बात है। बदमाशी जनता के सामने रखेंगे। आपकी क्या तैयारी है, आप मतलब कांग्रेस में कुछ तैयारी कर रखी है? निश्चित कांग्रेस तैयार है मैडम, भाई साहब जी, कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। और आप देखिएगा कांग्रेस की जो पॉलिसी है वो फूट डालो राज करो वाली नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी की है। पर आप देखिए किस तरह से कल को एक दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन जो होने वाला है, जो किसान लोग कर रहे हैं, और किस तरह उनको रोकने का काम किया जा रहा है, कैसे बड़े बड़े इन्होंने जो है वो लगा दिए हैं पिल्लर पुल्लर लगा के बंद करने का काम किया, और गांवों में जाके अनाउंसमेंट करवा रहे हैं कि यहाँ कोई भी कल को आंदोलन भाग मत लेना, जो लेते हुए पाया गया उसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वो भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा रहा है कि आप लोग सहयोग करोगे इस आंदोलन में? निश्चित हम आंदोलन में सहयोग क्यों नहीं करेंगे, हम हर उस पक्ष के साथ है। हाँ। जो भाजपा की तानाशाही से परेशान है उस पक्ष के हम साथ हमेशा खड़े रहेंगे। वीरेन जी जवाब दीजिए। कांग्रेस पार्टी के पास तो उत्तराखंड राज्य में जो इनके शीर्ष नेता है, अभी कल परसों कुमारी शैलजा जी आई थी,
सभी इनके जो 6-7 बड़े नेता हैं सबने हाथ जोड़ के कहा कि भाई हमको चुनाव नहीं लड़ना है, आप जिसको लड़ाएंगे, जिसको कहेंगे हम उसको लड़ाएंगे। और ये हाल तो आज कांग्रेस पार्टी का हो गया, चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, इनके पास कोई नेतृत्व नहीं है, इनके पास कोई काम करने का विजन नहीं है, इन्होंने कोई रचनात्मक भूमिका निभाई नहीं है और आज इस तरीके की बातें कर रहे हैं। अभी ये सारी बातें करके इन राज्यों में इन्होंने चुनाव लड़ा और आपने देखा होगा कि क्या हाल कांग्रेस पार्टी का हुआ है। मैं अभी इन विषय पर नहीं जाना चाहता हूं, जब ये विषय कह रहे हैं तब मैं इन बातों को कह रहा हूं। हम जनता से, हमारा यही कमिटमेंट है जो हमने जनता से नारे दिए थे चुनाव के समय, जो वादा किया था हम उनको पूरा कर रहे हैं। और आज हमारे महेंद्र भट्ट जी जो प्रदेश के अध्यक्ष है और हमारे एक कर्मठ कार्यकर्ता है जिनके नेतृत्व में पार्टी मजबूत हुई है, उनको राज्यसभा भेजा गया है, मनोनीत किया गया है, ये हमारे लिए सबके लिए बड़ी खुशी की बात है। और भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता को भी जब कोई दायित्व तो मिलता है तो वो बड़े मुखर होके बड़े मजबूती तरीके से अपने दायित्व का निर्वहन करता है। ठीक, हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में उत्तराखंड की आवाज को बुलंद। खन्ना साहब, फाइनल कमेंट आपका। जी जी बिल्कुल, उम्मीद आप नहीं करेंगे, उम्मीद उत्तराखंड करेगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यसभा भेजे गए हैं वो कम से कम उत्तराखंड के लोगों की, उत्तराखंड की आवाज को उठाने का सदन में काम करे, ना कि रबड़ स्टैंप बन के वहां पर बैठकर केवल जो विधेयक आए उसको। खन्ना साहब, चलिए मैं आपके विवेक के ऊपर छोड़ता हूं, मैं आपके विवेक के ऊपर, क्योंकि बहुत अच्छी बात कही आपने। मैंने जिक्र किया, आपने कहा कि जो सांसद जो है अपने काम से अपने आप को साबित करे, छोड़ दीजिए अभी आलोचनात्मक नजरिए से छोड़ दीजिए। चलिए, अनिल बलूनी का रिपोर्ट कार्ड अगर आपको रखना हो बतौर राज्यसभा सांसद, क्या रखेंगे बताइए। नहीं बिल्कुल, देखिए जिस व्यक्ति ने उत्तराखंड की आवाज को उठाया है, ऐसा कुछ नहीं कि अगर वो अनिल बलूनी भारतीय जनता पार्टी के नेता है और उन्होंने कोई काम किया है तो उसको हम नकार देंगे। हाँ। अगर उन्होंने काम किया है तो उसका जरूर उसकी तारीफ करी जाएगी। हाँ। बलूनी जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा और उन्होंने उत्तराखंड के लिए वहां आवाज भी उठाई है। हाँ। तो उत्तराखंड के बारे में सोचा भी है। हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी कही। ये बात क्यों? क्योंकि अगर परफॉर्मेंस की बात आती है तो आलोचना उत्तराखंड के हित में होनी चाहिए, अगर कोई सांसद सदन के भीतर आवाज ना उठाए, जैसे आपने बतौर विरोधी होते हुए भी कहा कि इनके बीजेपी के सांसद ने अच्छा काम किया, बलोनी साहब ने, यह है उसका उदाहरण। यह है कि भाई अगर आप उत्तराखंड के हित के लिए कुछ काम करना चाहते हैं तो एक ऐसा उदाहरण पेश करके जाइए कि उत्तराखंड आपको याद रखे। पौड़ी में तारामंडल और माउंटेन म्यूजियम, ठीक, एक मुश्त 15 करोड़ की राशि बतौर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी। अब करो विरोध करोगे, इसका करोगे आशीषी विरोध? नहीं कर पाओगे ना। बिल्कुल, काम करना चाहिए था उन्होंने। तो वही तो बात है ना, राज बब्बर अगर उत्तराखंड से जाकर उत्तराखंड के पक्ष में आवाज ना उठाए और अनिल बलूनी कहे कि एक मुश्त में 15 करोड़ पे लो ये काम करो, तो ऐसे राज्यसभा सांसद को भेजना चाहिए ना राज्यसभा में, जो कम से कम उत्तराखंड की आवाज तो उठाए। निश्चित, तभी तो नहीं भेजा। किसने नहीं भेजा? तभी तो नहीं भेजा दोबारा। दोबारा नहीं भेजा आशीष जी? क्यों अपना मजाक मनवाते हो? अभी ये उठा के पौड़ी से अगर लोकसभा का चुनाव लड़वा दे फिर क्या करोगे? देखो आप क्या होता है, क्या करोगे? देखो आगे ये वही है जिनको आप सर राष्ट्रीय प्रवक्ता मीडिया प्रभारी बना के और फिर उसके बाद राज्यसभा, और क्या मांगते हो आशीष जी? बस करो, इतना तो मत करो कि जो आपके अपने हित के हैं, पड़ोसी भी हैं, उनको भी आपने डंडा और झंडा उठाने वाले नेता आपकी पार्टी में, कभी उनको राज्यमंत्री तक का दर्जा नहीं मिला है ना, कई ऐसे, छोड़िए उस बात को। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल साहब, आपका भी, आशीष जी आपका भी और वीरेन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सियासत है और सियासत में बीजेपी ने अपना दांव चल दिया, यानी महेंद्र पर मेहरबान आला कमान। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।